ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता व निर्माता थे। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में हजारों फिल्में की है। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर अभी भी बॉलीवुड में एक सक्रिय अभिनेता थे। पृष्ठभूमि। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं। ऋषि कपूर का निक नेम चिंटू है। ऋषि कपूर के दो भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, और दोनों ही बॉलीवुड अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। शादी। ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर से हुई थी। बता दें, ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। उसके बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के दो बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा की शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई है। बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजी हैं। फिल्मी करियर। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट डिंपल कपाड़िया थी। ऋषि कपूर ने अपने करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया था। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया था। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरोज में से एक थे। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया था। अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ऋषि ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चले निर्देशित की। ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से हमेशा से ही रोमांटिक किरदार को निभाया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक के किरदार को देख सभी हतप्रभ रह गए। ऋषि को फिल्म अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया।